हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो में हमने ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, और ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन आंसर की वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था। सी एच एस आर 2014 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या फिर 1406 ईस्वी। आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो 1206 ईस्वी सही आंसर है, बी यानी कि इसका सही आंसर है। तो क्या हुआ था ना, देखो 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है गोरी की, महमूद गौरी जी, उसका यहाँ पे गुलाम था भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में महमूद गौरी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कर दी थी गुलाम वंश की, और गुलाम वंश की शुरुआत के साथ साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। अभी दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इसका काल था। 1526 के बाद कौन सी आई थी, मुगल डायनेस्टी आई थी, ये आपको पता ही होगा। अब देखो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 5 डायनेस्टी इसमें आई थी। सबसे पहले आई थी गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद आई थी आपकी खिलजी, खिलजी के बाद आया था आपका तुगलक, तुगलक के बाद आई थी आपकी सैयद, और सैयद के बाद आई थी लोधी डायनेस्टी, जो कि लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। शुरुआत में आपको बता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की गई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। CPO 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या फिर गोरी वंश। देखो अभी मैंने 5 वंश के नाम बताए थे आपको, गुलाम वंश, फिर उसके बाद आता है आपका खिलजी, खिलजी के बाद आपका आया था तुगलक, तुगलक के बाद आया था आपका सैयद, सैयद के बाद आया था आपका लोधी। ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में, गोरी वंश इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। क्योंकि देखो आप, अभी मैंने आपको बताया महमूद गौरी की मृत्यु के बाद ही 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत की। तो गोरी वंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थी और इन्होंने दिल्ली पर राज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। CHSR 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर है। 2.5 दिन के झोपड़े के संग संग क्या बनाया था इन्होंने, कुतुब मीनार भी बनवाया गया था इनके द्वारा, और इन्हीं के द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा, क्योंकि 1210 ईस्वी में ये इनकी मृत्यु हो गई थी, पूरा नहीं हुआ था ये इनके द्वारा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कौन सा खेल खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, चौगान यानी कि हॉर्स पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रम अनुसार रखें, तुगलक, लोधी, सैयद, इलबारी, खिलजी, इनको जो है इनके ऑर्डर में किस हिसाब, किस ऑर्डर पे ये आई थी उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो सबसे पहले आई थी इलबारी, इलबारी या फिर गुलाम वंश आप कह सकते हो, इलबारी, इलबारी के बाद आपकी आई थी खिलजी, यानी कि 4 फिर 5। अब आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में ये है, यह है डी ऑप्शन में, डी पे ही आई है, तो डी इसका सही आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं, खिलजी आई, नहीं, इलबारी के बाद खिलजी आई, खिलजी के बाद आपकी आई थी कौन सी, तुगलक, तुगलक के बाद आई थी सैयद, सैयद के बाद आई थी लोधी, यानी कि डी इसका सही आंसर है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। SSC CPO SI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, दोनों ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मतलब शुरुआत की गई थी, तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक का उसका शासन था। तो आप इससे अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये जो पीरियड था वो था 13वीं ईस्वी का, यानी कि इतनी 13वीं ईस्वी का नहीं, 13वीं शताब्दी का। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए ना, तो 3 इंसान इनमें इन्वॉल्व हैं,
एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसके बाद इल्तुतमिश द्वारा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगले शासक आए थे उनके द्वारा इसको पूरा बनवाया गया था। और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय पे इसमें जो चौथी मंजिल थी वो थोड़ी टूट फूट इसमें हो गई थी आप ये कह सकते हैं, तो उसका रिपेयर का काम और एक और मंजिल उसकी जगह में, यानी कि चौथी मंजिल जो टूटी थी उसकी जगह पे चौथी और पांचवी मंजिल जो बनवाई गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। तो तीन जो है इसमें, तीन जने इसमें इन्वॉल्व है कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में। और कुतुब मीनार किसके नाम पे पड़ा था, ये पड़ा था नाम एक सूफी ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे कुतुब मीनार ये नाम इस मोन्यूमेंट का रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। एसएससी सीपीओ 2008 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। देखो कुतुब मीनार जो है अभी मैंने आपको बताया तीन नाम इससे संबंधित हैं। शुरुआत इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो आंसर मैंने आपको बता दिया, बीस का सही आंसर होगा। इसका जो रिपेयर का काम था चौथी और पांचवी मंजिल का, जो चौथी मंजिल बनाई गई थी और पांचवी मंजिल जो रिपेयर मतलब कराया गया था वो करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो पूरा इसको जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और जो रिपेयर का काम था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। एसएससी सीएचएल 2011 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। तो बात करें दिल्ली के सुल्तान ये पद संभालने से पहले जो बलबन जो था वो नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था, और नसीरुद्दीन की मृत्यु थी 1266 ईस्वी में, और फिर उनका कोई योग्य मतलब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से बलबन ने ये शासन को संभाला था 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक और चीज़ याद रखना कि नसीरुद्दीन ने ही बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुंग खान की उपाधि, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि उलुंग खान की उपाधि किससे संबंधित है, तो आप आंसर बताएंगे बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। जो दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। अब आप सोचेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो आया था, पर देखिए उसने ना सुल्तान जैसी कोई उपाधि ग्रहण नहीं करी थी, उसने अपने आप को मलिक और सिप सलाहकार की ही उपाधि उसने ग्रहण करी थी। और जब इल्तुतमिश आया, इसी नहीं जैसे और शासक हुआ करते थे, जैसे उनके अपने नाम की खुतबे पढ़ाए करते थे, सिक्के चलवाए गए थे करते थे, ये सब चीज़ें जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। इनफैक्ट जो खलीफा हुआ करते थे उस समय, इन्होंने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं दी गई थी, बल्कि इल्तुतमिश को उन्होंने सम्मान दिया था। जो इल्तुतमिश था उसी को खलीफाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ था, इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश ही दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। एसएससी एमटीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक, मीनास उस सिराज, इल्तुतमिश या फिर गियासुद्दीन बलबन। तो उद्धारक जो था वो था आपका गियासुद्दीन बलबन। देखो जब ये आया था ना गियासुद्दीन बलबन, उस समय क्या हुआ था कि विदेशी आक्रमण बढ़ गए थे, तो उसने क्या किया था उस समय अपनी जो सेना थी उनको व्यवस्थित किया गया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो लेकर के आया था, और सीमाओं पर इन्होंने उन विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए सीमाओं पर किले वगैरह बनवाए गए थे। और ये कहा जाता है कि इसने जो दिल्ली सल्तनत को समय संभाल के रखा था और बिखरने से उसने बचाया था, और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक थे वो बलबन थे। तो डी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियमित मुद्रा जारी करने वाले और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। देखो जब कुतुबुद्दीन ऐबक
जब शासन शासक बना था उसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछते थे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, होती लाहौर। पर जब उसके बाद इल्तुतमिश आए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनवाई थी और एक नियमित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गड्डी, इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और एक नियमित मुद्रा प्रणाली लेके आया था, डी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। CHSL 2011 का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नसरुद्दीन खुसरो। देखो 1220 या 1221 की ये बात है जब जलालुद्दीन जो कि ख्वारिज्म शाह का पुत्र था वो चंगेज खान जो मंगोल थे उनसे बचने के लिए भारत में इसने शरण लेने की कोशिश की थी, भारत आ गया था। और जब ये भारत आया था तो चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर, सिंध के आसपास की सीमाओं पर इसने आक्रमण करना शुरू किया था। तो इस समय इल्तुतमिश ने उस चंगेज खान के आक्रमण को या फिर मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए जलालुद्दीन की मदद करने से मना कर दिया था और जलालुद्दीन भी 1224 के आसपास वापस चला गया था और चंगेज खान ने भी अपने जो आक्रमण थे वो भी वापस ले लिए थे। इल्तुतमिश के इस जो उन्होंने डिसीजन उससे मिल गया था उसकी तारीफ की जाती है क्योंकि उसके द्वारा ही मंगोल का आक्रमण जो हो सकता था भारत पे उससे बच गए थे। तो उसका जो सही आंसर वो हुआ बी, इल्तुतमिश। उसी के समय पे चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चेलगानी के विनाश का श्रेय दिया जा गया था। SSC CGL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो चेहलगानी की कहा जाना, चेहलगानी जो थे तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदार या फिर 40 तुर्क अमीरों का समूह था। ये शुरुआत की गई थी इसकी इल्तुतमिश के द्वारा पर इनका जो राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया था, इसीलिए बलबन ने इन शक्तिशाली समूह को नष्ट कर दिया था, विनाश कर दिया था, उनको ख़त्म कर दिया था। जबकि बलबन भी इन चेहलगानी ग्रुप का एक हिस्सा हुआ करता था। तो जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, चेहलगानी को ख़त्म करने का श्रेय जो है वो बलबन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। SSC CPO 2006 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। देखो ना अपनी प्रतिष्ठा ये सब जाहिर करने के लिए बलबन ने जो है बहुत से फारसी कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था और इसीलिए उसने ये फारसी त्यौहार जो नौरोज है उसका प्रवर्तन भी बलबन के ही द्वारा किया गया था। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेहलगानिया 40 के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर रजिया, रजिया सुल्तान। ये बताया था मैंने चेहलगानी को ख़त्म किसके द्वारा किया गया था, चेहलगानी यानी कि 40 अमीरों का समूह, 40 तुर्की सरदारों का समूह ये होता था। शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, इसको ख़त्म किया गया था बलबन के द्वारा। क्यों ख़त्म किया गया था, क्योंकि राजनीतिक उसमें इनका जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ने लग गया था। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। SSC स्टेनो 2011 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी और एक केवल और पहली महिला शासिका थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, पहली और केवल। समय था इनका 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक का और ये जो है बिल्कुल पुरुषों की तरह ड्रेसअप होकर के मतलब खुले मुंह से ये दरबार में जाया करती थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये इसलिए उस समय शासन चलाया इन्होंने क्योंकि उस समय इल्तुतमिश का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदो वंशक जिन्होंने खिलजी शासक से पहले और बाद में शासन किया था वे कौन थे, ये बताना है।
खिलजी से पहले कौन आया और खिलजी के बाद कौन था ये बताना है। तो खिलजी से पहले यानी कि 1290 ईस्वी से पहले जो थे वो थे आपके गुलाम, फिर 1290 से लेकर के 1320 तक आपका ये खिलजी रहे, फिर 1320 के बाद आपके आ गए थे कौन, तुगलक। तो खिलजी से पहले आपके गुलाम है और खिलजी के बाद आपके कौन हुए, तुगलक। तो गुलाम और तुगलक इसका सही आंसर होगा, सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो गुलाम और तुगलक ये खिलजी वंश से पहले और बाद में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने। तो जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान, यानी कि बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये पुत्री थी इल्तुतमिश की और 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इनका शासन चला था। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, एसएससी स्टैंड सेक्शन ऑफ 2007 के क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मंगोल, अफगान, तुर्क या फिर एक जाट काबिला, क्या थे खिलजी। तो खिलजी जो थे ना ये थे तुर्क, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। और ये जो है किस किस तरह से भारत में आए थे, ये जैसे मोहम्मद गौरी भारत आया था जब उसने आक्रमण किया था उनके संग ही आया, गजनबी के संग ही आया जब उसने लूटा भारत को उनके संग ही आया, और शरणार्थी के रूप में भी ये भारत में आए थे। बहुत समय तक ये अफगानिस्तान में रहे थे और इसलिए उन्होंने बहुत से कल्चर वहाँ के डेवलप कर लिए थे। बेसिकली खिलजी थे वो तुर्की थे। तो सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। एसएससी मैट्रिक 2008 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबन्नित तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। तो दूसरा सिकंदर अपने आपको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का कहा करता था। तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी। एसएससी मैट्रिक 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने हैं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। तो स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी, स्थायी सेना ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाई गई थी और ये जो है नकद भुगतान किया करते थे सेना को, नकद भुगतान, ठीक है। तो बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। एसएससी सीएचएनएल 2011 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, शाहजी मलिक, खिद्र खान, मलिक कफूर या फिर उलुंग खान। सही आंसर बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलिक कफूर। अगर आपने पिक्चर देखी है पद्मावत, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी के संग, वो मलिक कफूर ही था। उसका जो सबसे वफादार कहते हैं ना गवर्नर था ये, और दक्षिण विजय करने का जो मिशन था अलाउद्दीन खिलजी ने वो इसी को दिया था और इसमें वो कामयाब भी हुआ था। इसने 1311 ईस्वी में मदुरई वो कैप्चर कर लिया था, उसमें जीत हासिल कर ली थी। इनफैक्ट वहाँ का जो शासक था वो भाग गया था जब ये वहाँ पर इनका अटैक हुआ था। इसके साथ साथ ही इन्होंने देवगिरी, वारंगल, कातकीय, मदुरा इन क्षेत्र पर ये दक्षिण जो के जो राज्य थे इन पर इन्होंने जीत हासिल की गई थी मलिक कफूर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनियम प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा आरंभ की गई थी ये बताना है। सीएचएल 2013 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गियासुद्दीन खिलजी। तो बाजार विनियम प्रणाली इसकी शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इनफैक्ट एक पोस्ट हुआ करती थी इनके समय में जिसको हम दीवान ए रियासत कहा करते थे और ये जो है बाजार की जो फंक्शनिंग होती थी उनको ये कंट्रोल करता था, उनको मैनेज करने का काम ये दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। एसएससी मैट्रिक 2008 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन मुबारक। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। देखो खलीफा क्या होता है ना, खलीफा जो है जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं उनके नेता या फिर आप कह सकते हो हेड हुआ करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन खलीफाओं का जो अधिकार थे उनको मानने से इनकार कर दिया। अब बात करें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, तो इन्होंने तो है
खुद ही को स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता या फिर तोता हिंद, ये उपाधि किससे संबंधित है ये आपको बताना है। एमटीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने हैं, हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बाबर शाह या फिर नानक। तोता हिंद जो है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो कि एक लेखक गायक संगीतकार थे, उनको ये उपाधि दी गई थी। और इन्होंने ना देखो मैं बताऊँ तो सात शासकों का, दिल्ली सल्तनत में सात शासकों का रूल इनके द्वारा देखा गया था। अब वो सात शासक कौन थे, बलबन से लेकर के ग्यासुद्दीन तुगलक तक जो भी शासक आए थे उनका समय इनके द्वारा देखा गया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर ग्यासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण किसने उपभोग किया, SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर, सात शासकों का जो रूल है वो आमिर खुसरो, जिनको हम क्या भी किस नाम से जानते हैं, जिनको हम तोता हिंद यानी कि भारत का तोता उपाधि है उस नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। इनके गुरु थे, गुरु का नाम आपको याद रखना है कि इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि एक बड़ा ही फेमस कोट इनके द्वारा दिया गया था, दिल्ली दूरस्थ यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ये इन्हीं के गुरु यानी कि निज़ामुद्दीन औली के द्वारा दिया गया था। इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औली और इनका जन्म जो आता यानी कि जो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में हुआ था 1253 ईस्वी में। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है आज हम इस वीडियो को कट करते हैं, कल पार्ट टू करेंगे और जितने भी बच्चे भी क्वेश्चन है दिल्ली की सल्तनत से संबंधित डिटेल में उनको कवर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, उनको हम कल के देखते हैं, अगर अलग से उनकी कोई वीडियो बना लिया जो भी मैंने आपको क्वेश्चन भी नहीं बताया ऐसे ही जनरली थ्योरेटिकली समझाया उसकी भी हम एक क्वेश्चन आंसर वीडियो कवर कर देंगे जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत से इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है तो मिलते कल की वीडियो में 7 बजे फिर से, ठीक है ओके बाय बाय। पर जाने से पहले मैं बोल देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों के संग जो भी SSC के एग्ज़ाम्स या फिर जो भी एग्ज़ाम जिसमें GK के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है उन लोगों के लिए भी। ठीक है मिलते कल 7 बजे, टिल देन बाय बाय। Mm-hmm.